हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि जैसा कि आप न्यूज़ के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी केरला के एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहां से सांसद चुने गए थे 2019 में, लेकिन अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे क्योंकि राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है। दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर एक डिफेमेशन केस चल रहा था। 2019 में राहुल गांधी के ऊपर एक डिफेमेशन केस दर्ज किया गया था और उसी केस का सुनवाई अब पूरा हो गया और इस सुनवाई में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस क्यों चल रहा था? दोस्तों, 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहे थे तो राहुल गांधी उस टाइम में कर्नाटक में एक भाषण दिए थे और उस भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि देश में जितने भी चोर हैं उसका सरनेम मोदी क्यों है। इसी बयान को आधार बनाकर गुजरात में एक MLA पुनेश मोदी करके हैं, उन्होंने केस दर्ज किया था 2019 में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि डिफेमेशन है क्या। दोस्तों, जब भी आप किसी व्यक्ति की जानबूझकर उसके छवि को आप ठेस पहुंचाएंगे तो ये एक डिफेमेशन केस बन जाता है। दोस्तों, डिफेमेशन केस की सजा 2 तरीके से सुनाई जा सकती है। सबसे पहला दोस्तों सिविल लॉ, इसमें ये होता है कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में गलत बयान दिए हैं, आप जिस भी व्यक्ति के छवि को आप खराब किए हैं, वो व्यक्ति कोर्ट में सिविल लॉ के जरिए आपसे कुछ पैसे का डिमांड कर सकता है। एक हुआ सिविल लॉ, दूसरा है क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें यह होता है कि वो पैसे की डिमांड नहीं करता, वो आपको सजा दिलवाना चाहता है। तो इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा